एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एक्सप्रेस। सो वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने यूट्यूब जर्नी का एक्सपीरियंस। जी हाँ, आप लोगों में से भी बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो यूट्यूबर होंगे या यूट्यूबर बनने का सोच रहे होंगे, या फिर कभी ना कभी यूट्यूब वीडियोज़ देखते वक्त आपके माइंड में भी एक सवाल ज़रूर आता होगा कि यूट्यूबर्स आखिर कितना कमा लेते होंगे वीडियोज़ बना के, उनकी अर्निंग कितनी होती होगी। हालांकि मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, अभी 10K कंप्लीट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल माय ऑसम पीपल, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। बड़े यूट्यूबर्स के बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज़ बनाना कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, मुझे कितना टाइम लगा, मोनेटाइजेशन कब हुआ, मुझे जो फर्स्ट पेमेंट मिला था वो अप्रोक्सीमेटली कितना मिला था। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी वो एक्सपीरियंस शेयर करने से ही स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, मैंने अपने YouTube वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था 2020 जब लॉकडाउन लगा था मार्च में। उसके बाद से मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए थे, नॉट इन द मार्च में वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा था लॉकडाउन में, क्योंकि हर लोग घर से काम करना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे वेदांतु, वाइट हैट जूनियर जैसे कंपनीज पे मैंने अप्लाई किया जस्ट टू नो कि उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, कैसे वो लोग इंटरव्यू लेते हैं और क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे एचआर के साथ इंटरेक्शन होता है। तो इन सब के लिए मैंने भी अप्लाई किया था। तो जो मुझे कॉल आते थे, जिस तरह से मेरा इंटरव्यू लिया जाता था, वही एक्सपीरियंस मैं यूट्यूब पे शेयर करना चाहती थी और वही मैंने किया। तो जो मेरे स्टार्टिंग के आप वीडियोज़ देखोगे उसमें मैं नोट्स अपलोड किया करती थी स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे पास था। खुद मैं बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हूँ, मेडिको हूँ, सो उसी से रिलेटेड मेरे पास नोट्स थे तो वो मैं अपलोड कर देती थी। वो वीडियोस कुछ ज़्यादा खास या कुछ बड़े नहीं होते थे, 1 से 2 मिनट के वीडियोस होते थे, उसमें मैं पीडीएफ लगा देती थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट इतना करती थी। उसके बाद जब मैंने खुद एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया वेदांतु, वाइट हैट जूनियर जैसी कंपनीज़ के साथ और जैसे टॉपर, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये सब मैं अब वीडियो बना के शेयर करती हूँ। उस टाइम सोर्सेज की बात की जाए, जब भी हम YouTube पे वीडियोस बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ सोर्स है ही नहीं, ट्राइपॉड नहीं है, कैमरा नहीं है, मोबाइल नहीं है, इस तरह से। उस टाइम पे टू बी ट्रू मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, कैमरा नहीं है, ट्राइपॉड नहीं, मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, उसके बाद मुझे फ़ोन घर से नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था ऑब्वियसली। लेकिन मेरे पास लैपटॉप था तो मुझे ऐसा लगा कि लैपटॉप से भी काम हो सकता है। तो मैंने लैपटॉप निकाला और उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाके मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करती थी और उसी से एक्सप्लेन में करना स्टार्ट कर दी। मेरा फेस कैम वीडियोस बिल्कुल भी नहीं होता था, अब मैं थोड़ा बहुत करने लग गई हूँ, बाकी मेरा पहले का फेस कैम वीडियोज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, सोर्सेज की बात की जाए तो मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक लैपटॉप था। इवन दो मेरे पास माइक भी नहीं था, अभी जो माइक मैंने लगा रखा है माइक भी नहीं था, माइक मैंने फर्स्ट पेमेंट जब आया था उसके बाद मैंने परचेज़ किया था। सो यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लैपटॉप था जिसमें मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती थी ताकि मेरा आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि माइक के बिना बहुत धीरे आवाज़ आती है। तो इस तरह से मैं वीडियोस बनाने लगी और अपलोड करने लगी। दूसरी बात, अपलोड करने के बाद व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, मुझे अभी भी थोड़ा व्यूज़ नहीं आते थे। और व्यूज़ आने के लिए करे तो करे क्या, तो कुछ लोग होते थे जो सजेस्ट करते थे कि शेयर करो फ्रेंड्स में, मैं अपने फ्रेंड्स में नहीं शेयर करती थी क्योंकि फालतू में मजाक बनेगा और उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अपने ही फ्रेंड्स रहते थे, कहते क्या यूट्यूबर बन रही हो, तुम्हारा तुम कौन सी फेमस हो जाओगी, तुम्हें तुम्हारे वीडियोस कौन देखेंगे, ऐसा कह करके मजाक उड़ाने वाले भी बहुत सारे लोग थे। इसलिए मैं इस निगेटिविटी से दूर रहना चाहती थी फ़िलहाल के लिए, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी उन वीडियोज़ को शेयर नहीं करती थी। जितने भी व्यूज़ आने रहते थे वो आते थे 1, 2, कभी 10 आ जाता था तो लगता था ओ माई गॉड 10 व्यूज़, मेरे को लगता था मैं तो स्टार बन गई तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। 1 सब्सक्राइबर बढ़ता था तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, मतलब 1 सब्सक्राइबर बढ़ने की खुशी, मुझसे पूछो मैं जानती हूँ, या कोई यूट्यूबर है तो उन्हें पता होगा कि सिर्फ 1 सब्सक्राइबर की कीमत कितनी होती है। सो गाइज, इस तरह से करते करते धीरे धीरे मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालती गई, फेमस हो ना हो, व्यूज़ आए ना आए, मैं उतना ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि अगर उस टाइम पर मैं सोच लेती कि मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो मैं शायद स्टार्ट भी नहीं कर पाती। तो बस ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद मैं
मई और जून में मैंने लगातार वीडियोस डाले थे, पर डे वन वीडियोस मैं डालती थी। और जुलाई, ऑलमोस्ट 2 जुलाई से मैंने ऐसा नोटिस किया कि वो वीडियोस वायरल हो गए थे, मतलब व्यूज़ आने लग गए थे उसमें, बढ़ने लग गए थे। वायरल हाँ, लैक्स में उन वीडियोस पे चले गए, कुछ में 50K तक व्यूज़ गए। इस तरह से मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आने लग गए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट आया, थोड़ा सा मोटिवेशन भी फील मतलब मोटिवेट भी मैं अपने आप में होने लग गई थी। और आपको पता है गाइस कि आज के टाइम पे यूट्यूबर बनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब से यूट्यूब वालों ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, उसके साथ साथ 4000 आवर्स वॉच टाइम, पब्लिक वॉच टाइम आवर्स आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो अपने यूट्यूब वीडियोस को मोनेटाइज करने के लिए। तो पहला तो जो फर्स्ट मैं कहूँगी कि जो हमारे पास चैलेंज होता है, वो फर्स्ट चैलेंज यही था कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं और 4000 पब्लिक वॉच टाइम आवर कंप्लीट करना है, जो कि मेरा जब वीडियोज़ वायरल हुआ था लगभग 2 वीक्स के अंदर अंदर ये क्राइटेरिया बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। 1K से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, आई थिंक जब मेरा मोनेटाइजेशन हुआ था तो 3K प्लस सब्सक्राइबर्स थे, हो चुके थे बहुत ही तेज़ी से। जैसे ही वायरल हुआ वैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए थे, व्यूज़ बढ़ने लग गया था, तो वो कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ 4000 पब्लिक वॉच टाइम आवर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे मेल आया नोटिफिकेशन यूट्यूब वालों की तरफ से कि आप अब मोनेटाइजेशन करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि जो आपका क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, फाइनली। मुझे लगा था मैं सपना देख रही हूँ, क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी मैंने ये सब सोचा नहीं था कि होगा, बट हो गया। फिर मैंने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, उस समय लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने बहुत सारे टेक चैनल्स देख रखे थे, तो उसमें लोग बता रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो फिर भी मैंने अप्लाई कर दिया। मैं 2-4 दिन रुकी, उसके बाद अप्लाई कर दी थी। 21st आया था कि आपका जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देन आफ्टर मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के ठीक 24 आवर्स में ही मुझे मेल आ गया था कि आपका चैनल ओके है। फिर उसके बाद गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाना होता है, उसे कनेक्ट करना होता है, तो मैंने गूगल एडसेंस अकाउंट भी बनाया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, उसमें भी 1 या 2 दिन लगा, और फाइनली मुझे मेल आ जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। और उसके बाद करना यही होता है कि अपने वीडियोस में जाइए और मोनेटाइजेशन को आपको ऑन कर देना होता है, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा अर्निंग करने के लिए, अगर आपके वीडियोस 8 से 10 मिनट से ज़्यादा होते हैं तो उसमें आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आपके वीडियोज़ अगर छोटे होते हैं तो उसमें 2 ही एड्स आएंगे, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में। तो मेरे वीडियोस थोड़े बड़े होते थे, 9-10 मिनट के, कुछ 11-12 ऐसे करके, तो मेरे एड्स भी अच्छे खासे आने लग गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये पहला चैलेंज था। सेकंड चैलेंज मेरे पास आया कि अब आपको $10 कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपका के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको पिन भेजा जाएगा आपके एड्रेस पे, गिवन एड्रेस पे। तो ये सेकंड चैलेंज था। फिर मेरा $10 भी 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। अब फिर से डर बना था कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में वो सब लोग बोल रहे थे कि पोस्ट नहीं आ पा रहा है घर तक, तो उसमें भी प्रॉब्लम था। हालांकि मुझे भी ये मेरे घर तक आया था तो 1 महीने मुझे लग गया था, बट आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हालांकि लोग बोल रहे थे कि नहीं आ पाएगा। सो गाइज, इस तरह से मेरा $10 कंप्लीट हो गया, एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो गया। उसके बाद गूगल एडसेंस में मैंने बैंक डिटेल्स भी डाल दिए थे, जिसमें कि स्विफ्ट कोड डालना होता है, वो बहुत ही ध्यान से डालना होता है। सब कुछ कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड जो हमारा चैलेंज आता है वो ये होता है कि अब आपको $100 कंप्लीट करना होगा पर मंथ, ठीक है। $100 कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप यूट्यूब से जो भी आपकी अर्निंग हुई है उसे आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से पर मंथ आपको $100 कंप्लीट करना ही करना है, उसके बाद आप जितना ज़्यादा अर्न करो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कि जैसे मेरी जो इस महीने की अर्निंग होगी टोटल, वो नेक्स्ट मंथ के 12 तारीख को अपडेट हो जाती है और 21st तक मेरे बैंक अकाउंट में आ जाती है, यही है यूट्यूब का नियम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़, मेरे फर्स्ट मंथ में भी $100 कंप्लीट हो चुके थे, इवन उससे ज़्यादा हो गए थे, जो कि मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट बना था। तो इस तरह से मेरा YouTube जर्नी रहा था और फाइनली मुझे YouTube पेमेंट मिल गया था, टाइम से मिला था, कोई लेट नहीं हुआ था। तो गाइज़, अगर आप में से कोई भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे बढ़िए। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, क्रिएटिव हो, या डांस आता है, सिंगिंग आती है, आपको आर्ट है, या कुछ भी, कोई भी टिप्स आप देना चाहते हो, जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो यूट्यूब पर आप शो कर सकते हो विद
ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसा कि मैंने किया था, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया यूट्यूब से। जब तक कि मुझे फर्स्ट पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तब तक मैंने एक माइक तक नहीं लिया था। मेरे पास माइक है और मेरे पास फ़ोन भी है जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ। मेरा जो फर्स्ट पेमेंट मिला था उससे मैंने फ़ोन खरीदा था, पोको X3। शूट कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको वो दिखा देती हूँ, आप फ़ोटो में देख सकते हो। यही फ़ोन मेरा सबसे पहला आया था मेरा खुद के पेमेंट से, जो कहने के लिए बहुत छोटी सी बात होती है कि ठीक है फ़ोन ही तो लिया है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट का, मेरा खुद के कमाई का एक फ़ोन आया था जो मैंने खुद से मंगाया था, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो उस टाइम पे जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था मैं क्लियरली ओपनली यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकती हूँ पेमेंट का, क्योंकि ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। बट ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो और यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक मुझे इतना ही फर्स्ट पेमेंट में रिसीव हुआ था। तो इसमें से मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था अपने लिए, पोको X3। फर्स्ट पेमेंट इतना ही था। हालांकि अगर मैं कहूँ आपको तो आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये अमाउंट बहुत कम है। यूट्यूब मेरा फुल टाइम करियर नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो यूट्यूब मेरे लिए पार्ट टाइम जॉब की तरह ही रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा YouTube जर्नी चला फ्रेंड्स। 3-4 महीने मैं लगातार काम की थी और बहुत अच्छी अर्निंग हुई। ये फर्स्ट पेमेंट था, हालांकि सेकंड पेमेंट इससे कई ज़्यादा बेहतर मुझे रिसीव हुआ था, और ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट होता गया। उसके बाद दिसंबर या जनवरी में मेरे एग्ज़ाम्स थे जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो उस टाइम पर मैं YouTube पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। उसके बाद मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ और अपलोड करने वाली हूँ। व्यूज़ की चिंता मैं आपको अभी भी कहूँगी कि आप में से कोई भी अगर YouTube बनाना चाहते हो, चैनल्स YouTube चैनल और वीडियोस बनाना चाहते हो, तो आप व्यूज़ की चिंता मत करो, आप बस मेहनत करो, क्योंकि व्यूज़ आएंगे। अगर आप क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो पब्लिक को तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। ऐसा बहुत यूट्यूबर्स कहते हैं बहुत मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कर ना सको। इसलिए अगर आप में से कोई भी चाहते हैं कि यूट्यूब पर आप वीडियोज़ बनाओ, अपना करियर बनाओ, तो आप बिल्कुल बना सकते हो और यहाँ से अर्निंग भी कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, हो जाएगा मुझसे, और आप वही सोच करके आगे बढ़िए, डेफिनेटली होगा और ज़रूर होगा। पूछे जाते थे कि तुम कितना अर्न करती हो, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी जान जाता था कि हाँ यूट्यूबर है, छोटा मोटा यूट्यूबर ही है तो पूछते थे। इसलिए मैंने आज, मुझे लगा कि मैं अपनी पब्लिक के साथ, जिससे मुझे इतना प्यार मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और मैं अर्न कर पा रही हूँ कुछ भी। आपको जो मैंने अमाउंट दिखाया वो आपके लिए बहुत कम होगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। मैं उसमें खुश हूँ, इवन मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। पार्ट टाइम में अगर मुझे इतना मिल जाता है काम करके, तो मैं कम से कम अपना खर्च खुद से उठा सकती हूँ, इतना हो जाता है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप में से भी कोई YouTube पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आप बहुत बड़े यूट्यूबर बनोगे। और अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहा, आशीर्वाद बना रहा, तो मैं भी ऐसे ही यूट्यूब पर काम करती रहूँगी और आप लोगों के हेल्प के लिए हमेशा आप लोगों के सामने खड़ी रहूँगी। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो, आज की ये वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको लगा होगा इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। आपके खूबसूरत कमेंट्स ही जो होते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ करने का, कुछ नया करने का। सो गाइज, मेरा मोटिवेशन कुछ और नहीं बल्कि आप लोग हैं, तो ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और मैं ऐसे ही आप लोगों के हेल्प करने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक एक का रिप्लाई दूँगी, आई प्रॉमिस मैं सबका रिप्लाई देने वाली हूँ। और अभी जैसा कि आपको पता है कि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी रामनवमी। अभी रमजान चल रहा था, तो सबको मुबारक हो जितने भी फेस्टिवल्स चल रहे हैं। आप ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते रहें और स्टे सेफ स्टे होम, क्योंकि कोरोना का भी सेकेंड वेव आया है गाइस। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।